हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन ब्लेज ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है मैंने। पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो कहीं से भी तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करिए। गाइस, मुझे आप लोगों की बहुत हेल्प की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते फटाफट से अपना वीडियो। और आज कुछ मेन वीडियो है तो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल में। स्वागत है आप सब लोगों का। तो ये मैंने रोटी में रख दिया पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीती हूँ जिससे वो सही रहता है हेल्थ के लिए। तो मैंने गर्म पानी करने के लिए गुनगुना करने के लिए रख दिया है। और पालक जैसे कि मैंने रात को काट के रख दी थी तो अभी मैं उसे अच्छे से धो लेती हूँ। चलनी में अच्छे से धुल जाता है, अच्छे से मिट्टी नीचे निकल जाती है। थाली में धोती तो थाली में मिट्टी रह जाती है। और आलू लेके रख लिए, पानी भर रहा है भगोने में गर्म करने के लिए रख देती हूँ मैं, पहले भर जाए उसके बाद। तो पानी गर्म करने के लिए भी मैंने रख दिया है। लहसुन ले लेती हूँ। तो देख लीजिए, अब पानी अब मैं पूरा भगोनी नहीं भरूँगी, आधी भगोनी भर के रखूँगी क्योंकि बहुत बड़ी भगोनी है ये और गैस बहुत धीरे धीरे जलती है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो रख देती हूँ भर के मैं। और उसके बाद हम मसाले कट कर लेते हैं। तो पानी कोरा लेती हूँ, पानी ले लेती हूँ मैं, तो गुनगुना हो गया वो, तो पी लेती हूँ फटाफट से। और उसके बाद करने हैं हमें और काम, जैसे कि लहसुन कट करना है और प्याज कट करनी है, हरी मिर्ची। तो कढ़ाई गर्म करने के लिए रख देती हूँ क्योंकि गैस बहुत धीरे धीरे जल रही है। तो एक प्याज ले ली है मैंने, तो फटाफट से इसको कर लेते हैं कट। लहसुन मैं पहले इसीलिए छील के रख देती हूँ क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा, तो रात को ही मैं, रात को नहीं जब मुझे टाइम मिलता तब, रात को तो जैसे कि कोई सब्जी होती है फली वली वो काट के रख देती हूँ, और लहसुन तो मैं जब टाइम मिलता तब छील के रख देती हूँ। तो फटाफट से कट कर लेती हूँ। तो एक प्याज कट करनी है छोटी हमको, और लहसुन की चार पांच कली हमको कट करनी है, और दो तीन हरी मिर्ची, बस यही कट करती हूँ डेली के मसाले में। और कोई स्पेशल सब्जी बनती है तो उसका मसाला तो कुछ अलग ही होता है, जैसे गरम गरम मसाला सब होते, खड़े मसाले पीस के बनाती हूँ मैं। तो जल्दी फटाफट से कट कर लेती हूँ। तो तेल गरम हो गया, जीरा डाल देती हूँ और हरी मिर्ची प्याज और लहसुन डाल देती हूँ। अब मैं ये नए वाले आलू हैं तो ये इस तरीके से छीलने पड़ते हैं, तो इसे मैं फटाफट से छील लेती हूँ। और जो मुझे दिख रहा है अच्छा नहीं है उसको मैं कट कर देती हूँ, और फिर इसके छोटे छोटे से टुकड़े करूँगी। पहले मैं रोज़ बड़े बड़े काटती थी तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते टिफ़िन में, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज मैं भी छोटे छोटे टुकड़े करके बनाऊँगी सब्ज़ी। तो फटाफट से आलू कट कर लेते हैं। तो मैंने मेथी ऐड कर, मैंने पालक ऐड कर दी है सब्ज़ी में, और आलू काट लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से। दो आलू बहुत हो गए क्योंकि ये बड़े बड़े आलू थे, और वैसे भी पालक आलू की सब्ज़ी सूखी बनती है तो ज़्यादा तो होती नहीं है। तो कट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर ऐसे अच्छे से धो के और फिर सब्ज़ी में डाल देंगे। फिर मसाले ऐड कर देंगे हम अपने जो डेली के मसाले होते हैं वो। धो लेती हूँ आलूओं को अच्छे से, धोने के बाद फिर मैं सब्ज़ी में डाल देती हूँ। और आलूओं के बाद हम मसाले डाल देंगे अपने जो हमारे डेली के मसाले होते हैं, जैसे कि लाल मिर्ची हो गया, हल्दी हो गई और धनिया पाउडर हो गया, बस यही। और ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे, और नमक भी थोड़ा कम डालेंगे बाकी सब्जियों से क्योंकि इसमें जो पालक है पालक में भी हल्का नमक होता है, तो इसलिए। पानी हो गया है गरम, थोड़ा चेंज कर देंगे गैस क्योंकि सब्जी भी पकना ज़रूरी है। सुबह टिफिन लेके जाएंगे तो उस टाइम तक मुझे सब्जी रोटी सब काम करके देने हैं। तो देख लीजिए, अब हम डाल देंगे मसाले जैसे कि मैंने आपको बताया है वो सब, और नमक भी थोड़ा ही डालेंगे, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइस मुझे हेल्प करिए, और नहीं आता है तो भी किसी का वीडियो देखते हैं, तो मैं तो किसी का भी वीडियो देखती हूँ तो लाइक ज़रूर करके आती हूँ, और जो मुझे सब्सक्राइब करने को बोलता है तो मैं उसके चैनल को सब्सक्राइब भी करती हूँ। तो पानी डाल दिया है थोड़ा ही, अब इसे हम अच्छे से ढक करके रख देंगे। और अब हम लगाएंगे आटा रोटियों के लिए, तो आ जाइए वो भी आपको दिखाते हैं। तो
आटा भी पिसवाने जाना था मुझे, थोड़ा ही आटा रह गया था, तो देख लीजिए। तो आटा लगा लेते फटाफट से। सुबह के टाइम में मुझे रोटियां भी बनानी पड़ती हैं और नाश्ते के लिए पराठे भी बनाने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से मैं आटा लगाती हूँ। तो आटा लग गया है मेरा, तो देख लीजिए सब्ज़ी भी हमारी पकती चल रही है। तो मैंने रख दिया तवा गैस पर, तो अब हम बनाएंगे रोटियां जल्दी जल्दी से। सब्ज़ी चेक करते रहेंगे बनी है कि नहीं बनी है, थोड़ी बाकी रह गई है अभी, छोटे छोटे आलू काटे हैं तो जल्दी बन जाएगी। तो अब हम बनाएंगे रोटियां अपनी जल्दी फटाफट से, क्योंकि मुझे चार ही रोटियां बनानी, टिफ़िन के लिए मैं रोटियां बनाती हूँ बस, और फिर बाकी आटे की बना लेंगे पराठे। तो बने रहिए हमारे साथ, बनाते रोटियाँ। तो रोटियां हमारी बन चुकी हैं, तो अब हम सेकेंगे हमारे मकई के पोहा। तो मकई के पोहा को भी हमको सेकना है, तो देख लीजिए भाई फटाफट से इनको भी सेक लेंगे हम। और इनका वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए अभी नहीं करूँगी, ठीक है। तो अब हम लगाते चलेंगे साथ ही साथ में टिफ़िन भी। तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तो पालक आलू की सब्ज़ी हम टिफ़िन में रख देते हैं। तो टिफ़िन में रखने के बाद फिर हम एक टिफ़िन में रखेंगे चटनी, जो कि मैंने चटनी बनाई थी वो, और एक में रखेंगे रोटी। तो घी है, ये है देसी घी, घर का घी है पता, प्योर घी। तो इससे इसे लगाएंगे रोटियां, मतलब इससे रोटियों को चुपरेंगे, यानी कि रोटियों पे घी लगाएंगे। तो ले लेते फटाफट से चम्मच और लगा देते फटाफट से टिफ़िन। आप लोग कैसे लगाते हो टिफ़िन में, क्या क्या रखते हो मुझे ज़रूर बताना। और घी को रख देते हैं, अभी आया है ताज़ा ताज़ा भाई घर से, तो देख लीजिए। एक टिफ़िन और ढूंढना तो पड़ेगा। मैं YouTube पे आई हूँ, किसका वीडियो देखकर आई हूँ वो मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ। मैं बहुत पहले मैंने चैनल स्टार्ट कर लिया था अपना, करीबन 2019 में कर लिया था। तो मैं आई थी जो, क्या नाम है उनका, अयान ब्यूटी एंड ब्लॉग को देखकर मैं आई थी, रमा दीदी को देखकर आई थी मैं। तो मतलब कुछ भी समझ लो, दीदी समझ लो, बहन समझ लो, मतलब कुछ भी समझ लो, उनको देखकर मैं यूट्यूब पे आई थी, उनका वीडियो मैंने देखा था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी अपने सपने पूरे करूँ, क्योंकि एक गाँव की जो लड़की होती है, गाँव की जो लेडीज़ होती हैं, उनको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे कि आपको पता ही होगा। नहीं हर कोई साथ देता है उनका, कहते हैं घर की बहुओं को तो बस घर का काम करना चाहिए, खाना पकाना चाहिए, बाहर कुछ काम नहीं करने देते हैं, उनके सपने तो बस मन में ही रह जाते हैं। बहुत सारी बहुएं ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने घर की छत तक नहीं देखी होती है, सालों सालों बीत जाते हैं उनके शादी के। तो बस वही सोच के मैं भी यूट्यूब पर आते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन मैंने उनकी वीडियो देखे तो मुझे लगा कि मैं भी स्टार्ट कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या होता, सफलता मिलती है कि नहीं। बस मेहनत करती जा रही हूँ, सफल करने में आप लोगों का हाथ है, करो या ना करो, आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए। तो बस मैं उन्हीं के जैसे बनना चाहती हूँ, रमा बहन के जैसे ही बनना चाहती हूँ मैं, बस इसीलिए आई हूँ। आप लोग जैसे उनको सपोर्ट करते, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए। और चलिए आशा करती हूँ कि आप मेरी बात समझोगे। तो मिलती हूँ।